बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। डियर अब इन्फो चैनल में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज और उमरा एयरपोर्ट कायम करने का फैसला किया गया है, इसकी तमाम तौर डिटेल्स आप लोगों के साथ आज की वीडियो में ही डिस्कस करूँगी। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल डियर अब इन्फो पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को लाजमी से लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सऊदी अरब में मकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो या कफेल छुट्टी ना लगा रहा हो या कोई भी मसला हो, तो आप हमारे साथ राबता करें। हम इंशाल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका खरूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो, वो आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप कॉन्टेक्ट करें, इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मतलूब केस वाले रब्ता ना करें, शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे करते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि सऊदी अरब ने हज उमरा एयरपोर्ट कायम करने का हतमी फैसला कर लिया है। गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा खालिद अल फसील ने कहा है कि अल फैसला प्रोजेक्ट के तहत हज व उमरा एयरपोर्ट के लिए ज़मीन मुख्तस कर दी गई है। अल फसीलिया प्रोजेक्ट मुकद्दस शहर का एक्सटेंशन होगा। नया एयरपोर्ट महकमा शहरी हवाबाजी के तआवुन से तैयार किया जाएगा। ये जिद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मातहत होगा। सबक न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक गवर्नर मक्का ने बताया है कि हज व उमरा एयरपोर्ट से ज़ायरीन हरम को गैर मामूली सहूलतें मिलेंगी। बताया गया है कि इसमें ट्रांसपोर्ट का खसूसी बंदोबस्त होगा। खालिद अल फसील ने अल फसीलिया प्रोजेक्ट के लिए तआवुन की यादाश्तों और माहदों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के मौका पर कहा है कि खुश आइंदा अमरिया है कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने इस प्रोजेक्ट को अल फसीलिया का नाम दिया है। खालिद अल फसील ने सऊदी कंपनियों और सरमायाकारों को इस मंसूबे पर अमल दरामद में हिस्सा लेने की पेशकश की है। गवर्नर मक्का खालिद अल फसील और वजीर ख़जाना मोहम्मद अल जदान ने अल फसीलिया प्रोजेक्ट के दायरे में वाक़ रियासती ज़मीनों से फ़ायदे उठाने के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। अल फसीलिया प्रोजेक्ट के तमाम नक्शे तैयार हो चुके हैं, जल्द अमल दरामद शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर